गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बेल आइकन के निशान को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों, आई होप आपने पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपनी बातों को, और आज हम जानेंगे कि जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा और पोलाइट बनना पड़ता है, थोड़ा सा और विनम्र बनना पड़ता है, ताकि जो सामने वाला है वो हमारा काम आसान से जल्दी से कर सके या हमारी बातों को मान सके। तो देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई यार प्लीज यार ये काम कर दे, प्लीज दरवाजा बंद कर दे, प्लीज यार ये पर्दे लगा दे, प्लीज यार पंखा चला दे, बहुत गर्मी लग रही है यार, प्लीज यार लाइट बंद कर दे यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाइट रोशनी लग रही है आंखों में। तो इस प्रकार के वर्ड होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास आज एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है माइंड। दोस्तों माइंड, अब आप सोच रहे होंगे माइंड तो दिमाग होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा माइंड, देखो वर्ड एक होता है, उसके मीनिंग अनेक होते हैं, तो हमें देखना होगा कि कौन सा मीनिंग कहाँ पर आपको लगाना होता है। तो आज हम माइंड की बात करेंगे और माइंड का इस्तेमाल करेंगे पोलाइट वे के रूप में। जैसे हम कोई किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वहां पर हम उसको काम करने के लिए कहेंगे, तो माइंड का इस्तेमाल करके अपने वाक्यों को बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसका फॉर्मूला ज्यादा देख लेते हैं एक बार। देखिएगा, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर माइंड लगाना होगा, देन फिर उसके बाद आपके जो एक्शन वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं वो लगानी होगी, और साथ में उसके आपने आईएनजी लगाना होगा, ये आपका वाक्य बन जाएगा। अब देखिए क्या बनता है फॉर्मूला आपका, देखिए माइंड प्लस एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी, ये बनेगा। अब हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास देखिए ओपन द डोर, सबको पता है दरवाजा खोलना होता है, ओपन द डोर। अगर मैं इसको प्लीज ओपन द डोर कहूं तो भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा नया स्वरूप लेंगे तो आपको यहां पर कहना होगा माइंड ओपनिंग द डोर। चलिए ये तो अच्छा है, आपने देखा। अब चलिए और बनाते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूं, क्लोज द डोर बनेगा कैसे, बनेगा माइंड क्लोजिंग द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। अब मेरी आंखों में रोशनी लग रही है, मैंने कहा भाई यार दरवाजा बंद करो, प्लीज क्लोज द डोर। या फिर गर्मी लग रही है तो मैंने अपने किसी को बोला भाई एक काम करना जरा पंखा चला दो यार, तो मैं उनको बोलूंगा माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। अब टीवी चल रहा है और मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब देखिए मुझे पढ़ना है तो टीवी कैसे चल सकता है, तो मैंने अपने जो भी मेरे घर में होगा मैं उसको बोलूंगा भाई थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर ले, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम। और अगर मुझे लग रहा है कि मुझे भी उसके एक तरह से इंजॉय करना है तो मैं उसको बोलूंगा थोड़ा सा यार टीवी की आवाज बढ़ा दे यार, थोड़ा आवाज बढ़ाना टीवी की भाई, तो उसको बोलते हैं माइंड टर्निंग अप द वॉल्यूम। ऐसे बहुत सारे जिस वर्ड है हमारे पास जिसको माइंड की सहायता से हम लोग अपना वाक्यों को बोलकर और सामने वाले से अपना काम करा लेते हैं। जैसे मैंने कहा यार ये पर्दे लगा दो यार, पर्दे यार रोशनी आ रही है अंदर, तो आप उसको क्या बोलोगे, पर्दे हटे हुए हैं। अगर पर्दा हटाना ड्रॉ द कर्टन होता है, ड्रॉ द कर्टन होता है, एंड पर्दे लगा देना उसको, सही लगा देना उसको बोलते हैं ड्रॉ द कर्टन बैक। तो मैं कहूंगा यहाँ पर भाई यार प्लीज यार पर्दे लगा दे यार, माइंड ड्रॉइंग द कर्टन बैक, या माइंड ड्रॉइंग द कर्टन, प्लीज कर्टन को हटा दीजिएगा। अब यार आपको पता बहुत ठंड लग रही है इधर से, ऊपर से पहले इतनी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, इसने पंखा चला दिया यार, इसको पंखे को प्लीज बंद कर दो यार, तो मैं यहां पर कहूंगा माइंड स्विचिंग ऑफ द फैन। तो इस प्रकार के वाक्य हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंत में कुछ वाक्य देकर जाता हूं, और उम्मीद करूंगा कि इन वाक्यों को बनाकर आप आज से ही बोलना शुरू कर देंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि सर इसको कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।